दोस्तों सैमसंग के नोट लाइनअप को सभी यूजर्स काफी पसंद करते हैं। जिन यूजर्स को बड़े डिस्प्लेस वाले स्मार्टफोन पसंद हैं, उन्हें सैमसंग के नोट लाइनअप के फोन्स भी काफी पसंद आते हैं। इन स्मार्टफोन्स में आपको बड़ा डिस्प्ले और टॉप नॉच स्पेक्स देखने को मिलते हैं, पर साथ ही साथ इन स्मार्टफोन्स की प्राइस भी काफी हाई होती है। तो पिछले साल यानी कि 2018 में लॉन्च हुआ था सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 स्मार्टफोन और इस साल लॉन्च होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10। तो आइए बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 के प्राइस, स्पेसिफिकेशन और रिलीज डेट के बारे में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब को दे पाओ। तो इसी के साथ मैं हूं राज और आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे ऑब्वियस सी चीज से। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में होगा क्वालकम का अब तक का सबसे बढ़िया प्रोसेसर जो है स्नैपड्रैगन 855। तो परफॉर्मेंस के मामले में नोट 10 एक बीस्ट होने वाला है। रिसेंटली आइस यूनिवर्स इस टिप्स्टर ने ये टीज किया है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में 6.6 इंचेस का डिस्प्ले हो सकता है। अब ये डिस्प्ले साइज सच में बहुत बड़ी है। तो जिन भी यूजर्स को बड़े डिस्प्लेस वाले स्मार्टफोन्स पसंद हैं, उनके लिए ये स्मार्टफोन एकदम परफेक्ट है। यहाँ आपको QHD सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ राइट और लेफ्ट साइड्स में आपको कर्व्ड एजेस देखने को मिलेंगी। अब क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी S10 में हमें पिनहोल वाला डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, सैमसंग इसे कहती है इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले, तो इसी वजह से सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में भी हमें इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है कि आपके फ़ोन के डिस्प्ले में एक होल या कटआउट होगा और फ्रंट कैमरा उस होल या कटआउट के अंदर होगा। तो इसीलिए आपको नोट 10 के बड़े से डिस्प्ले में बेजल्स देखने को नहीं मिलेंगी। नोट 10 में आपको 8GB या 10GB तक के रैम ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ इंटरनल स्टोरेज 512GB तक भी देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें नोट 10 के कैमरास की, तो क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी S10 में हमें पीछे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, इसीलिए नोट 10 में भी हमें पीछे कम से कम ट्रिपल कैमरा सेटअप तो देखने को मिलेगा। कुछ रूमर्स ऐसे भी हैं कि सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस में आपको पीछे क्वाड कैमरा सेटअप भी देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में भी आपको पीछे चार कैमरास यानी कि क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, जो कि एक काफ़ी कमाल की चीज़ है। तो यहाँ प्राइमरी कैमरा के साथ साथ देखने को मिल सकता है वाइड एंगल सेंसर और टेलीफोटो लेंस। सामने आपको डिस्प्ले के अंदर फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें बैटरी की, तो नोट 9 में हमें देखने को मिली थी 4000 mAh की बैटरी, पर शायद नोट 10 में आपको इससे ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी। तो एग्जैक्ट कितनी बैटरी लाइफ होगी इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, पर अगर 5000 mAh की बैटरी नोट 10 में आती है तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। इसके अलावा नोट 9 में मौजूद सभी बेहतरीन फीचर्स आपको नोट 10 में और भी इम्प्रूव तरीके से मिल जाएंगे, पर हाँ शायद इस बार हमें नोट 10 में हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा। और तो और यहाँ हमें नोट 10 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल सकता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर बात करें नोट 10 के रिलीज डेट की, तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 अगस्त में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि नोट 8 लॉन्च हुआ था 23 अगस्त 2017 को और नोट 9 लॉन्च हुआ था 9 अगस्त 2018 को, तो इसीलिए नोट 10 भी अगस्त 2019 में ही लॉन्च होगा। अगर हम बात करें नोट 10 के प्राइसिंग की, तो नोट 10 की प्राइस स्टार्ट हो सकती है 1000 पाउंड्स यानी कि लगभग 90,000 रुपीस से। तो क्या आप सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 के लिए एक्साइटेड हैं? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आपको पता ही है क्या करना है, सिर्फ वो रीज़न हमारे साथ शेयर करिए ताकि अगले वीडियो में हम उसका ध्यान रख पाए। दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख पाए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।